यदि आपके घर में भी इंडोर प्लांट्स हैं और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या प्लांट्स की केयर किस तरीके से करनी है, इस बात को यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो घर के अंदर भी उगते हैं और अच्छे से डेवलप होते हैं, विकसित हो जाते हैं कम मात्रा में प्रकाश और पानी यानी लाइटिंग और वाटरिंग कम देने के बावजूद भी ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के पौधे आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, यानी कि वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है इंडोर प्लांट की। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो प्लांट्स हैं ये एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं, यानी ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी प्लांट्स तो हैं ही, साथ ही साथ यदि एयर प्योरीफिकेशन भी करते हैं तो फिर क्या कहने हैं। इन प्लांट्स को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। देखिए, एक ड्रेसिना का बहुत छोटा सा पौधा मैं लेकर आई थी और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। सबसे पहले मैं आपको जो पॉपुलर इंडोर प्लांट्स हैं उनकी एक लिस्ट बता देती हूँ। उसमें स्नेक प्लांट, पीस लिली, एलोवेरा, बम्बू प्लांट, जीजी प्लांट और बनी ईयर कैक्टस, फर्न, फ्लेमिंगो प्लांट, एरिका पाम, मनी प्लांट, ग्रीन स्पाइडर प्लांट, क्रोटोन, जेड प्लांट, ड्रैगन ट्री और रबर प्लांट, ये बहुत ही पॉपुलर हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये जो ड्रेसिना का मेरा पौधा आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ इसलिए ये आपको दिखा रही हूँ कि ये बारिश में रह गया था जिस वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो यदि आप अपने इंडोर प्लांट्स को बारिश में रखेंगे या ओवर वाटर करेंगे तो उस पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें, किसी चीज़ में स्टोर कर लें और फिर उससे वाटरिंग कर दें, तो जो ज़रूरी नेचुरल मिनरल्स हैं वो आपके पौधे को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास यदि इंडोर प्लांट है तो एक सिस्टमेटिक वे में इसे पानी दीजिए। कहने का मतलब है, यदि आपने आज पानी दिया और आपके पौधे को अब 4 दिन बाद पानी की ज़रूरत है तो 4 डेज बाद ही आप वाटरिंग करेंगे। एक सिस्टम बना लीजिए, जैसे जीजी प्लांट जो है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसे 10 डेज पर एक बार अच्छे से वाटरिंग करनी होती है। ये डिफेनबेकिया है, डिफेनबेकिया पानी में बिल्कुल ख़राब हो गया था, अब बहुत मुश्किल से इसे बचाया है। जो इंडोर प्लांट है ये कभी भी तेज रोशनी और ज़्यादा ओवर वाटरिंग को कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं। इन पौधे को आप कोशिश कीजिए कि छोटे कंटेनर में लगाएं। देखिए, ये जीजी प्लांट है, इसे 10 डेज पर एक बार पानी देने की ज़रूरत होती है और ये इस पौधे का ये ग्रोइंग टाइम चल रहा है। विंटर्स में ये पौधा बिल्कुल ही शांत पड़ा रहता है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इस टाइम में सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेने जाएं, खासकर इंडोर प्लांट्स थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो ऐसे प्लांट खरीदें जिसमें 2 या 3 ब्रांचेस मिट्टी से निकल रही हों, जड़ से निकल रही हों, ताकि जब आप घर लाने के बाद उसे डिवाइड करें तो आप 2-3 प्लांट बना सकें। जैसे कि ये कैलेथिया आप देख रहे हो, मैंने एक ही प्लांट से 2 प्लांट अलग किए हैं। तो जब भी आप जाएं प्लांट खरीदने, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप 2-3 जिसमें रूट्स निकली हों आप उसे ही लें। देखिए, ये एग्लोनिमा जो है, एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये लिपस्टिक है, ये स्टार एग्लोनिमा है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। इन सबको आप वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, केयर वैसे ही करनी है, पानी कम देना है। एक चीज़ और है, पत्तों को साफ रखना है। लीव्स यदि इसके क्लीन होते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इंडोर प्लांट के लिए जब भी आप कंटेनर का चुनाव करें, हमेशा 5 से 6 इंच का ही कंटेनर रखें। चाहे पौधा बहुत बड़ा भी हो जाए तो उसे छोटे कंटेनर में ही आप सर्वाइव कराने की कोशिश करें, हार्डली 8 इंच का कंटेनर। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी एरिका पाम, वो काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन मैंने 8 इंच के कंटेनर में ही लगाया है। ये शफलेरा है, शफलेरा यदि आपके घर में है तो इस पौधे पर ज़्यादा आप स्प्रे ना करें। जेड प्लांट हो या शफलेरा हो या ऐसे जितने भी मोटी लीव्स वाले प्लांट होते हैं, उन्हें आप यदि बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो उसके पत्ते गिरने लगते हैं। ये अभी अभी मैंने अपने शफलेरा के साथ देखा है। देखिए, ये हार्ट लीफ प्लांट है और ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। बहुत छोटी सी इसकी कटिंग कहीं से मैं लाई थी। जितने भी ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, ये मॉन्स्टेरा हो या हार्ट लीफ प्लांट हो, इसे मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करना होता है। और
एक चीज़ और है, यदि आपको लगता है आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो गया है तो कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहाँ विंडो के पास या बालकनी के पास, जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो और आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी, लेकिन धूप में ना रखें। डायरेक्टली शेड से उठा करके यदि आप धूप में रखेंगे तो पौधा ख़राब होगा, ये निश्चित बात है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइज़ करेंगे। यदि आपके पास कोई भी वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, गोबर की खाद को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। वर्मी कंपोस्ट हो या फिर इस तरीके का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा हो मार्केट में, मैंने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट फूड के नाम से लिया है, और ये एक चम्मच आपको अपने सभी प्लांट को 15 दिनों पर देना है। और ये जो स्टोन डस्ट आप देख रहे हैं, ये महीने में एक बार देना है, इसे 15 दिनों पे नहीं देना है, महीने में एक बार देना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से ही नर्सरी पर आपको मिल जाएगा, वो सभी पौधों के लिए और इंडोर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आप इंडोर प्लांट स्पेशल फूड भी ले सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई जो खाद होती है, जो घर में हम चीज़ें बनाते हैं, जो अक्सर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, उनको आप इंडोर पर बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये हार्डी प्लांट्स नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट प्लांट होते हैं, और आपने धूप में भी नहीं रखा है तो प्रोसेसिंग करने के लिए, मिट्टी में इसको डिकम्पोज करने के लिए इनके पास पर्याप्त रोशनी नहीं है। तो जो घर के बने हुए खाद होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देने से कई बार जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट और स्टोन डस्ट आप चाहें तो पानी में घोल कर दे सकते हैं, या 15 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई खाद आप पानी में घोलिए या एक चम्मच दे दीजिए। स्टोन डस्ट महीने में एक बार पानी में घोल कर दीजिए या डायरेक्टली दे दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आप पत्तों को वॉश कर रहे हैं स्प्रे के थ्रू, तो ये ध्यान रखें कि नॉर्मल वाटर से वॉश करें। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने अपने शफलेरा के पत्ते को गिरते हुए देखा, क्योंकि मैंने इसमें जो खाद मैं सभी पौधों को दे रही थी उससे ही स्प्रे कर दिया, तो इसके पत्ते सडनली गिरने लगे। तो एक चीज़ मैंने ये सीखा कि पत्तों को नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, जो भी खाद देना है वो जड़ों में डालिए, वो मिट्टी में डालिए। खाद को 15 दिनों पर सिस्टमेटिकली देते रहिए, ओवर वाटर कभी मत कीजिए, और रोशनी का ध्यान रखिए, आपका पौधा निश्चित तौर पर बढ़ने लगेगा। देखिए मेरा स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट की दो वैरायटी है मेरे पास। स्नेक प्लांट इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इतना लंबा हो गया है, इसे कट करके यदि मैं मिट्टी में दबा दूंगी तो वहाँ से नई जड़ें बन जाएंगी। इन पौधों को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, एरिका पाम को डिवाइड करके रूट से लगा सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है सिर्फ इसलिए कि हम गलत फर्टिलाइज़र दे देते हैं और बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं पौधे में, या फिर ओवर वाटर कर देते हैं। और एक चीज़ और है, पौधे की जो लोकेशन है वो बार बार आप चेंज मत कीजिए, एक जगह जहां आपने पौधे को रखा है वहीं रहने दीजिए। अब ये जो मेरी बालकनी आपको दिख रही है, ये ऐसे जगह पे है जहां रोशनी बहुत कम आती है।